जय श्री राम भाई लोग, स्वागत आपका एक और न्यू पार्कोर रेस में। हम करने वाले अभी देखिए GTA में पार्कोर, इसमें लिमोजिन कार के साथ। वैसे यार ये कार तो पता नहीं कितनी लंबी कार है, मतलब चलाने में मज़ा आएगा नहीं आएगा वो तो देखते हैं। पर इस गाड़ी को चलाने में बड़ी दिक्कत होती होगी। साला नल्ला मेरे से आगे निकल रहा था, पता नहीं क्या हो यार, एकदम से घूम के चले कसम से यार। मैंने मतलब कि उस नल्ले को गिराने के लिए नहीं घुमाई, ऑटोमेटिक खुद ही घूम गई गाड़ी, पता नहीं कैसे घूम गई। ये लाल बिंदी रुक गई, मेरे को घुमा लूँगा इधर से इजली यार। पर सारी लंबी गाड़ी आ रही है, चलाने में दिक्कत बहुत होती है इसको यार, सीरियसली। ये बंदा मेरे से आगे कैसे निकल गया साला, रुदा बर बच गया कसम से बच गया यार। ये लिमोजिन गाड़ी मनाई किस लेती पता नहीं यार, मतलब इतनी लंबी गाड़ी क्या फ़ायदा हुआ यार। घुस जाऊँगा पाइप के अंदर, घुस गया हट नल्ले साले। भाई इसका पिकअप बड़ा बेकार है साली गाड़ी का, ये तो इसका पिकअप इतना बेकार है ना, उठता ही नहीं है भाई पिकअप। पाइप के अंदर घुस जाऊँगा, घुस जाऊँगा, घुस जाऊँगा, घुस गया, ये निकल गया, मतलब गुस्सा आर पार हो गया पाइप के अंदर से लिमोजिन यार। दे तुम देख रहे हो, मतलब स्टैंड देख रहे हो, ये साली लिमोजिन गाड़ी, नल्ले गाड़ी एक नंबर की कसम से भाई, ये नल्ली गाड़ी एकदम यार कसम से। चलाने में बड़ा इसको मज़ा तो आता है, पर ये फ्रंट व्हील मार दूँगा। क्या मारा मैंने, कुछ नहीं मारा, ऐसे ऐसी कर दी इस पाइप ने, पर रुक गई यार, मतलब ऐसे रुकती नहीं है इसलिए मारनी पड़ी। गाड़ी टेढ़ी हुई है तक मेरी, हाँ गाड़ी सिर्फ टेढ़ी हो गई गाड़ी मेरी यार, इनकी मजबूती का भरोसा मुझे, मजबूती पर बिल्कुल भरोसा नहीं था मुझे पहले से, पता नहीं यार इतनी हल्की गाड़ी कैसे बन जाती है यार। थोड़ा आराम से घुसाऊँगा यार, मतलब आराम से घुसूँगा छेद के अंदर, दिक्कत हो जाएगी। ये वैसे वॉल राइड कर लेगी गाड़ी यार, लगता है कसम से गाइस, मेरे को तो नहीं लगता, फिर भी करके देखते हैं। अरे यार इसमें फ्लिप हो रहा है यार, कैसे होगी भाई, कैसे होगी नल्ली गाड़ी से यार, भाई देखते हैं। बड़ा मुश्किल लगता है मेरे को यार फ्लिप करनी तो यार इस गाड़ी से। चलो छोटी मोटी गाड़ी से चलो एक बार कोशिश कर सकते हैं। अरे हो गई भाई, इजीली तो नहीं बोल सकते बट हो गई यार भाई। मतलब एक होता ना कि उस, मतलब उस वाली गाड़ी से थोड़ा घंटा मेरा साला, सर ट्रेन का डिब्बा आगे लगाना जरूरी था। एक तो इतनी लंबी गाड़ी से पहले फ्लिप करो उसका, ट्रेन के डिब्बे में से निकालो, नहीं मतलब चाहते कि हो उधर बेचारे पैसेंजर रो रहे होंगे कि हमारे ट्रेन के डिब्बा एक कम आया है, और यहाँ पर देखो दिमाग ख़राब कर रखा है। भाई कम था क्या यार फ्लिप करना, इसके अंदर से सारा कैसे निकालो अब यार, पता नहीं आ रहा, एक बार निकल जाए बस कैसे करके, उसे निकल जाइए इस बार मेरे को, मतलब सर स्ट्रेट चलाना होगा। पर यार पता है एंगल नहीं बैठता यार, सर निकल जाऊँगा इस बार। ओ गाइस निकल गया, निकल गया, बच गया, फिर भी साला मैं सेकंड हूँ, नल्ला मेरे से पहले निकल गया। इधर स्लो करने की जरूरत आ गई थी, मतलब आगे कुछ ना कुछ खतरा है, घपला है, हैं भाई जिग जैग सेप पे चलानी पड़ेगी लिमोजिन को। वो साली मेरी नल्ली गाड़ी गिर गई, मतलब जिग जैग सेप पे यार लिमोजिन को, समझ रहे हो, वो तो कसम से रियल में गाड़ी मतलब कि ऐसे ऐसे रास्तों पर नहीं चलती, उन्हें गाड़ी जगह कुछ और ही मिले, दो डंडे खड़े हुए मिले सीधा। वैसे निकल जाएगी यार आराम, थोड़ा धीरे धीरे चलाना पड़ेगा यार, बिल्कुल सांप की तरह लग रही है मुझे, मैं सांप के ऊपर चला रहा हूँ। घूम जाएगी, घूम गई, ये आराम से तो जाएगी, पर कोई दिक्कत नहीं, चेक पॉइंट मिल गया था। पर यार इसमें एक बार में कर दूंगा मैं, कर दूंगा कोई इतनी दिक्कत नहीं आई, कर दूंगा आराम से कर दूंगा भाई, थोड़ा इसका बैलेंस ना बिगड़े। नहीं क्या करूँ यार, मतलब कि जगह जगह से पैसे जगह गई थी, कुछ समझ नहीं पाया मैं क्या करूँ क्या नहीं, पर इस बार मैं थोड़ा आराम से करूँगा जैसे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। पर यार मतलब कुछ समझ नहीं आया, एक बार दे दिया चलो बहुत है यार, दो बार कुछ समझ रहे हो, मतलब बंदा आगे जाए ना कैसे करके, फिर भी चलो यार एक लास्ट बार पिछले यहाँ पे गिर गया था, इस बार गलती नहीं करूँगा। चलो यार बढ़िया मुश्किल से पहुँच गया, मुश्किल से नहीं मतलब ईजी पहुँच गया, थोड़ा वो तो होता है ना यार, थोड़ा वो तो मुश्किल हो जाती है बेचारी लिमोजिन गाड़ी को, मेरे को नहीं लिमोजिन को मुश्किल हुई थी। ये स्नो कहाँ से आ गई भाई, भाई कैसी रैंप है यार, स्लिप हो रही है भाई गाड़ी यार, स्पीड में लेनी पड़ेगी लगता है भाई, स्पीड में लेनी पड़ेगी यार आगे यार, घुमाओ है घूम जाएगी
पर आगे कोई दिक्कत नहीं, रोकने के लिए लगा रखा है, तक रुक जाऊँगा इससे। गलत रोक दिया, थोड़ा पहले रोकना चाहिए था मुझे यार। रोक दूँगा, रोक दूँगा। अब यहाँ से ये बूस्ट इसलिए दे रखा है कि जिससे मतलब स्पीड बन जाए, पर इस बूस्ट से तो नल्ला ही फ़र्क नहीं पड़ा, घंटा ही फ़र्क नहीं पड़ा बिल्कुल भी यार, लगा मुझे ऐसा। ये टायर के इसके टायर बहुत ज़्यादा स्किट कर रहे हैं कसम से, स्किट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं टायर। घूम जाए, अरे इजली घूम जाएगी, स्किट तो इजली मारेगी अभी। चल यार सही में इसका बूस्ट नहीं लगाते ना तो कुछ नहीं हो सकता था मेरा यहाँ पे, मतलब रेस को एंड करनी पड़ जाती। पर कोई दिक्कत नहीं, बूस्ट लगा रखा है। वैसे नल्ले गाड़ी चल तो सही रही है, पर इसके मैंने मिरर वगैरह सब कुछ फोड़ दिए भाई। अब क्या करना है? ओ भाई बच गया कदम, तो मेरे को लगा कि डायरेक्ट यहाँ से चढ़ाना ऊपर। ये नल्ला यहाँ पे अटका हुआ है, मतलब आगे कुछ ना कुछ हार्ड रैंप है गाइस। इससे वापस उल्टा घुमाना भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा लिमोजिन ये ऐसी रैंप कर कैसे रही है। हाउ डज पॉसिबल, ये पॉसिबल तो मैं नहीं, नहीं दे सकता। कैसे होने देगा बेचारी की, जितने सवाल आ जाती है कुछ भी करो गाइस, मतलब एक बार विंडमिल तो पक्का गिराता है हर बार रैंप पे, एक बार तो गिराएगा कम से कम, दो बार नहीं तो एक बार तो पक्का गिराएगा। और भरोसा करता है इस बार भी गिराते, पता नहीं इसका कुछ भी कोई भरोसा नहीं है। पर इस बार सर हमारी लैंडिंग भी सही हुई यार, फिर लैंडिंग बहुत ख़राब हुई थी इसकी, ऐसी की तैसी। मैं बस खेलते खेलते बच जाऊँ खेलते खेलते यार, घंटा ही नहीं बच पाएगा सबसे यार, मैंने बच जाता यार वो, मेरे से खेलते बोल की तरह खेलते मैं बच जाता, पर उन्होंने नहीं खेला। उनको दो को ही पसंद आया मेरे साथ खेलना, तीसरे को नहीं पसंद आया, इसलिए मेरे को ये थोड़ा आराम से करूँगा, आराम से थोड़ा फोकस के साथ निकल जाऊँगा। निकल गया मैं एक बार टाइमिंग को सही करनी थी, टाइमिंग एकदम सही थी मेरी। और भाई ये वाला एकदम से आ गया कसम से, मेरे को पता नहीं लगा था मैंने मिल गया। अब कहाँ जाना है? वॉल राइड वापस भाई कसम से, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करने जाते हैं लिमोजिन के साथ, बेचारी का बहुत अन्याय हो रहा है। ये मेरे हिसाब से केस वगैरह कर देगी लिमोजिन अपने गाड़ी मतलब GTA पे, ये साले इतने अन्याय करवा रहे मेरे साथ। चढ़ जाएगी वो आराम से इजली। चेक पॉइंट नहीं मिला ना, मैं बीच में मिल गया था एक साइड तक, इधर नहीं मिला था चेक पॉइंट मेरा। इसको यार इसके ऊपर होगा चेक पॉइंट, नहीं होगा ऐसा कैसे नहीं होगा? शायद अगर मैं इसके ऊपर और जाना पड़ेगा, हाँ जाना पड़ेगा ऊपर और जाना पड़ेगा यार। कितनी बार ऊपर ले जाएंगे भाई भाई भाई, आराम से। ये क्या था, क्या बोलूँ यार, नहीं क्या बोलूँ भाई। चेक पॉइंट मतलब चेक पॉइंट अगर हल्का चेक पॉइंट टच कर दे तो क्या बिगड़ जाता है इस नल्ली गाड़ी का, मिसाली क्या बिगड़ जाता है इसका। ये नल्ली गाड़ी है गली बार से, इस लिमोजिन जो भी नाम है इसका यार, इस वाले पे क्यों नहीं हो पा रहा मेरा। हो गया देखो भाई, तुम्हारा भाई देख रहे हो क्या मतलब, कैसे गाड़ी को पलटा उल्टा के कैसे सीधे कर दिया, मतलब सीधे के मतलब कैसे बचा लिया यार। ये एक प्रो प्लेयर की पहचान तो नहीं हो सकती, हो भी सकती है, कुछ भी मान सकते हो तुम, कुछ भी मान सकते हो यार। पहुंच गया, मेरे को लगा नहीं था पहुंच जाऊंगा, पर पहुंच गया, बड़ी खुशी की बात है। इधर ही पहुंच जाऊंगा भाई यार, इस बार ये इधर मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। गाड़ी स्किड करती करती मेरे को ब्रेक मारनी चाहिए, गलती कर दी मैंने यार, थोड़ी सी गलती कर दी जिसके कारण मुझे ये सब देखना पड़ा। ये नूब प्रो क्या लिख रखा आगे उधर, नहीं देखते हैं, कैलकुलेशन करेंगे उसकी बात करेंगे उसके अंदर घुसेंगे। अरे ये तो मैं बच्चों वाले बचपन में क्या करता था, ई का में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मुझे ऊपर से नीचे, फिर नूब ट्री नूब में जाएँ प्रो में जाएगा इस, बताओ गाइस नू में जाएँ प्रो में जाएँ किस में जाएँ तुम बताओ, जो ट्राई करते हैं किस में जाएँ। वैसे मन तो कर रहा है नूब में, नहीं हम प्रो प्लेयर हैं, पर हो सकता है यार किसी में से बीच में ना मतलब ब्रेक मतलब होता है ना वोल ब्रेक लगा रखी हो जिसे ना जाना पाए अंदर, हो सकता है भाई चेक पॉइंट मिल जाए यार। कोई दिक्कत नहीं, नूब प्रो तो करते रहेंगे, बाद में चेक पॉइंट मिल जाएगा, चेक पॉइंट मिल जाएगा समझे। मिल गया भाई, रुक जा और रुक गई, मेरे को लगा नहीं था रुक जाएगी, पर रुक गई यार, बड़ी खुशी की बात है रुक गई। वरना ये नल्ली गाड़ी साले के ब्रेक टायर सब कुछ नल्ले हैं साले के। अब हम किस में जाएँ, नूब या प्रो में? नूब में चलें गे या प्रो में? शायद मेरा वो लग रखी है आगे, शायद तक ट्राई करके आते हैं, देखते किस में वो लग रखी है। देख लो तुम्हारा भाई मतलब ग्रेविटी की भी एसटीसी कर रखा है इसके अंदर, वो ग्रेविटी ने हमारी एसटीसी कर दी।
ये प्रो वाले में जा रहे हैं। नहीं ये भी है नूबर, नहीं आप प्रो वाले में, इसमें स्थिति कर दी ग्रेविटी की, और एकदम प्रो, ये प्रो वाला सही है, वो नूबर वाला लोकल लोगों के लिए, उसमें सिर्फ बच्चे जा सकते हैं। अब देखो इसमें तो हवा में, यार भाई कैसे चलेगी यार ये, थोड़ा ना मतलब फोकस करके करना पड़ेगा यार, ऊपर अट जाती है यार, ऊपर नहीं आनी चाहिए ऊपर। अब देखो अब ब्रेक मारो तो नीचे जाती है, अगर वैसे थोड़ी रेस तो बदल जाती है, कैसे करूँ यार इसमें। अभी हम नूब में जाके ट्राई करेंगे, नूब वाला सही लग रहा है मेरे को थोड़ा। हाँ यार नूब वाला थोड़ा सही लग रहा है मेरे को, हाँ नूब वाले में हो सकता है, तो नूब वाले में हो जाएगा। हो गया भाई, कसम से लगा नहीं था मुझे हो जाएगा, मतलब ये रेस नूब वालों के लिए थी, पर कोई दिक्कत नहीं, हम प्रो बंदे भी इसको खेल लिए, वो बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। अब यहाँ पे कहाँ पर जाना है भाई, अब क्या करना है, ये साले चक्कर कटाते मेरे को बुरे बुरे लगते हैं यार, एक ही जगह पे बार बार घुमाते रहते हैं। अरे यार नहीं लगा चेक पॉइंट, मेरे को लगा हो जाएगा, नहीं हुआ। तो फाइनली गाइस हम रेस जीत चुके हैं, वो भी फर्स्ट पोजीशन पे, नल्ला पीछे रह गया। ओके बाय, टाटा गुड बाय।